एक्शन। डिजिटल ग्रीन के माध्यम से हमें प्रशिक्षण मिला। अरे वाह, वो कितना अच्छा सीन है। पहले तो हम लोग वीडियो देखते थे, लेकिन अब हम लोग वीडियो बनाते हैं। मेरा नाम फूल कुमारी देवी है और यहाँ मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरे काम से जानते हैं। हम लोगों का काम इतना आसान भी नहीं है। सुबह उठते हैं सबसे पहले, उसके बाद अपना घर का काम काज करते हैं, फिर बच्चों का पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान देना पड़ता है। इसके साथ साथ खेती बाड़ी का भी काम करते हैं। घर में बकरी भी है, बैल भी है, सबको देखते हुए अपना फील्ड में निकलते हैं और इस कार्य को करते हैं। सरकार की ओर से चलाई गई JSY जननी सुरक्षा योजना में हम लोग एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और इसमें मेरा मुख्य कार्य होता है कि लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों की जो भी सुविधा है उन्हें मुहैया कराने का। ध्यान दीजिएगा, इसको स्तनपान कराने के समय इसका आँख में दूध नहीं आना चाहिए, है ना। महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में बतलाते थे, जैसे ANC के बारे में, आयरन गोली, 1000 दिन का महत्व, टीकाकरण के बारे में, फिर किस तरह से हमें अपने हाथों की सफाई करना है और हाथों की सफाई करने से क्या फायदा है। डिजिटल ग्रीन के माध्यम से हमें प्रशिक्षण मिला। उसमें यह बतलाया गया कि हमें वीडियो कैसे बनाना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, माइक कैसे लगाना है और शॉर्ट्स के बारे में बतलाया गया कि शॉर्ट्स के कितने प्रकार होते हैं। पहले जब हम लोग फिल्म देखते थे तो हम सीन देखते थे तो सोचते थे अरे वाह, वह कितना अच्छा सीन है, लेकिन हमको पता नहीं था कि सीन किसे कहते हैं। और हमें जब प्रशिक्षण मिला तो हमें पता चला कि पहले छोटे छोटे शॉर्ट्स बनते हैं और अनेकों शॉर्ट्स मिलकर एक सीन बनते हैं और उन्हीं सीनों को मिलाकर ही फिल्म बनाया जाता है। पहले तो हम लोग वीडियो देखते थे, लेकिन अब हम लोग वीडियो बनाते हैं। जहाँ भी हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं को इस चीज़ के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है तो उसका हम लोग एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं और उसी को लोगों को दिखलाते हैं। और वीडियो में यह होता है कि वह प्रैक्टिकल रूप से वह अच्छी तरह से समझ पाती थी। डिजिटल ग्रीन से हमें प्रशिक्षण मिला कि हमें वीडियो प्रसार कैसे करना है और उस समय हमारे हाव भाव कैसे रहेंगे, हम किस तरह से अपने माहौल को तैयार करेंगे, उसके बाद हम बीच बीच में वीडियो को रोक कर लोगों को किस तरह से समझाएंगे। अब एक ही दिन 10-15 दीदी को आंगनबाड़ी केंद्र पे टीकाकरण या VHND के दिन बुला लेते हैं और वीडियो दिखा देते हैं। अब खुद से वीडियो बना ले रहे हैं तो उसमें हमारे ही टोला महला की महिलाएं उसमें भाग ले रही है और वही एक्टिंग कर रही है तो उसमें लोगों को ज़्यादा देखने में इंटरेस्ट लग रहा है। काहे कि वो सबको पहचान रहे कि ये तो हमारे ही गाँव की है, उससे उनकी उत्सुकता और भी बढ़ रही है। वो भी अपने आप को चाहती है कि हम भी इस योजना से जुड़े और जो भी योजना है उसका लाभ ले। जब हम बैठक में वीडियो प्रसार करते हैं तो सभी महिलाओं तक समान मैसेज जाता है और महिलाएं अच्छी से समझ पाती है। और अगर महिला नहीं समझ पाती है तो वीडियो को बीच बीच में रोक के बतलाने का ऑप्शन है। हम वीडियो को बीच बीच में रोक के उनके बारे में उन्हें विस्तार पूर्वक बतलाते हैं। इसके अलावे वो हमसे सवाल करती है, फिर उसके बारे में हम महिलाओं को अच्छी तरह से समझाते हैं जिससे महिलाओं को पूरी तरह से जानकारी हो जाती है। अब तो दीदी लोग मुझे भी सलाह दे रही है और बोल रही है कि दीदी ये विषय पे वीडियो बनाइए, कि अब यहाँ की महिलाएं जागरूक ही नहीं हैं बल्कि वे हमारे बातों को अमल भी कर रही हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि आशा दीदी की है यही पुकार, बेहतर स्वास्थ्य खोले हर सपने को पूरा करने का द्वार।